हाय दोस्तों, टेक्निकल नंदोटेक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करे होंगे वो कर दीजिएगा। और यहाँ पर सिस्टम है दोस्तों, सिस्टम का प्लस को दबा रहे हैं तो एक भी पानी नहीं आ रहा है टॉयलेट में। तो हम इसको कैसे रिपेयरिंग करेंगे, आप इस वीडियो में बने रहना दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इस सिस्टम का ढक्कन को खोल दिए पहले हम, उसके बाद हम तोता पना लेते हैं। तोता पना से हम उसको सिस्टम का इनलेट वाल है उसको हम खोलेंगे। तोता पना से हम सिस्टम का इनलेट वाल है उसको खोलेंगे। यहीं से ब्लॉकेज है जैसे लग रहा है हम लोगों को। और ये एंगल कॉक से पाइप आया है और इनलेट वाल में लगा है। देखिए दोस्तों, ये अब इसको चालू करके देखते हैं। इसमें तो पानी आ रहा है दोस्तों ये पाइप में, लेकिन इनलेट वाल में नहीं जा रहा है सिस्टम का। तो सिस्टम का इनलेट वाल है वो ख़राब हो गया है, यानी ब्लॉकेज हो गया है, उसमें पानी नहीं जा रहा है। तो हम सिस्टम का इनलेट वाल को हम खोलेंगे, पूरा खोलेंगे इसको अच्छा से। तोता पना से पहले खोलना है इसको। देखिए दोस्तों, इसको खोल रहा हूँ अभी। सिस्टम का इनलेट वाल अब खुल गया हमारा। देखिए दोस्तों, ये अब इसको हम देखेंगे कहाँ पर ब्लॉकेज है उसको। पहले पाइप को लगा कर देखेंगे इसमें ब्लॉकेज है कि नहीं, वो पता चल जाएगा। इसमें पाइप को लगा रहे हैं और उसको चालू कर रहे हैं दोस्तों एंगल कॉक को, तो एक भी पानी नहीं आ रहा है दोस्तों। देखिए थोड़ा थोड़ा टपक रहा है इसमें पानी, लेकिन नहीं आ रहा है, ये ब्लॉकेज हो गया है। देखिए दोस्तों, ये पूरा चिपड़ी चिपड़ी अंदर में है, इसी कारण से ब्लॉकेज है ये। इसको हम सफाई करेंगे, सफाई कैसे करेंगे आप इस वीडियो में देखना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इसको खोले हैं तो इसमें पानी आ रहा है पाइप में, लेकिन इनलेट वाल में नहीं जा रहा है पानी। इनलेट वाल हमारा जाम हो गया है, ब्लॉकेज है, उसको सफाई करेंगे अभी। वीडियो को देखते रहना दोस्तों, आप पूरा देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा वीडियो ब्लॉकेज को कैसे हटाते हैं, उसको समझ में आ जाएगा आपको। और हम एसिड को लगा रहे हैं दोस्तों इसमें सिस्टम का इनलेट वाल में। एसिड है तो इसको पूरा खोलना नहीं पड़ता है सिस्टम का इनलेट वाल को। अगर एसिड नहीं रहता तो पूरा खोलना पड़ता। देखिए दोस्तों, कैसे उसमें पपड़ी पपड़ी जमा है चिपड़ी, उसको निकाल रहा है दोस्तों ये एसिड। गाजा गाजा जैसे दिख रहा है, समझो ये काम कर रहा है। इसको 2-3 मिनट तक पकड़े रहना है तो पूरा अंदर तक सफाई हो जाएगा इसमें अच्छा से। इसमें और लगा देना है थोड़ा थोड़ा, और इसको हम लगा कर इसको चालू कर रहे हैं दोस्तों। देखिए इसमें चालू हो गया है, तो इसमें हम चालू कर दें। देखो दोस्तों, ये चालू हो गया है, इसमें ब्लॉकेज ख़त्म हो गया है हमारा। और इसको इनलेट वाल को हम इस सिस्टम में लगाएंगे अभी। इस सिस्टम में लगा रहे हैं दोस्तों, देखिए इनलेट वाल को, क्योंकि ब्लॉकेज था वो ख़त्म हो गया है हमारा, साफ हो गया है ब्लॉकेज।
उसको अच्छा से कस देना है। अंदर में वाशर लगाना ज़रूरी है, हम वाशर लगा दिए हैं और इसको तोतापना से अच्छा से कसना है दोस्तों। कसा गया है, उसके बाद इसको चालू करके देख लेना है, चालू हो गया है। और इसको इनलेट वाल में कस रहे हैं दोस्तों इस पाइप को। देखिए दोस्तों इसको कस रहा हूँ, अभी कस दिया हूँ और इसको चालू कर रहे हैं दोस्तों एंगल कॉक को, ये वाल को, सिस्टर्न का इनलेट वाल में पानी आ रहा है दोस्तों। देखिए टार्चर को जलाया हूँ तो देखिए दोस्तों मस्त पानी आ रहा है, पहले जैसा आ रहा है। अभी बीच में पूरा ब्लॉकेज था, इस कारण से नहीं आया था, पूरा सफाई हो गया है वो। और ये हमारा सिस्टर्न का फ्लश वाल है, ये भी ब्लॉकेज है, इससे पानी नहीं जा रहा है दोस्तों। तो इसको हम खोल कर देख रहे हैं, इसको अच्छा से घुमाना है, ये लॉक रहता है तुरंत खुल जाएगा, लॉक है इसी कारण से नहीं खुल रहा था, ये खुल गया दोस्तों। देखिए इसमें चिपड़ी चिपड़ी जैसा है, ये भी ब्लॉकेज हो गया है। और इस सिस्टर्न का भी पाइप में ब्लॉकेज जैसे नज़र आ रहा है, देखिए दोस्तों इसमें हम पानी को डालकर देखेंगे इसमें पानी जा रहा है कि नहीं। नहीं जा रहा है दोस्तों, इसमें तो हल्का हल्का जा रहा है, टॉयलेट में तो पानी नहीं नज़र नहीं आ रहा है इसमें। तो हम यहाँ पर एसिड को लगा रहे हैं दोस्तों, इसमें इस एसिड को डाल रहे हैं, इससे जितना चिपड़ी चिपड़ी जैसा है वो ब्लॉकेज है वो सफाई हो जाएगा इसमें एसिड से। एफ्लस वाल को भी हमको खोलना नहीं पड़ेगा, इसको भी वैसे करेंगे, एसिड को इसमें लगा देंगे, एसिड को लगाएंगे तो ये चालू हो जाएगा, ये हल्का हल्का काम कर रहा है। इसको पानी से पहले धो लेते हैं और उसके बाद एसिड को इसमें लगा देते हैं दोस्तों। देखिए पूरा धुआं धुआं जैसे निकल रहा है दोस्तों, इसमें से पूरा जम गया है। और यहाँ पर हम नया एसिड लेकर आए हैं और हमारा सिस्टम में डालेंगे दोस्तों इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज नज़र आ रहा है इसमें। तो हम इस एसिड को डाल रहे हैं दोस्तों, देखिए एसिड को डालेंगे तो ये पूरा सफाई हो जाएगा इसमें। और यहाँ पर हमारा फ्लश वाल है, इसमें भी डालेंगे एसिड को, क्योंकि अंदर में चिपड़ी चिपड़ी जैसे जमा हुआ है वो सफाई हो जाएगा। देखिए दोस्तों एसिड को यहाँ पर रखे हैं, और पाइप भी आपका ब्लॉकेज हो जाता है तो सफाई करने के लिए हम पंप बनाए हैं, लिंक डाल देंगे इसमें। देखिए दोस्तों इसमें फ्लश वाला हमारा सही हो गया है, सफाई कर दिए हैं और इसको हम लगाएंगे दोस्तों सिस्टम में। देखिए दोस्तों ये लॉक है, लॉक का खांचा है, उसमें आप सीधा ले जाकर इसको अच्छा से रखेंगे, उसके बाद घुमा देना है उसको। देखिए दोस्तों ये घुमा दिए, काम कर रहे हैं अब। और ये हमारा वाल को चालू कर देते हैं, देखिए दोस्तों चालू कर दिए हैं, ये भर रहा है दोस्तों, पानी भर रहा है। अगर आपका पाइपलाइन भी ब्लॉकेज है तो हम इस वीडियो में लिंक डाले हैं प्रेशर पंप का, प्रेशर पंप आप बना सकते हैं और ऐसे प्रेशर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें पानी भर गया है, अब हम इसको प्लस करेंगे तो ये पानी आ रहा है दोस्तों इसमें। और हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर करना हमारे चैनल को, और कमेंट में ज़रूर बताना आप वीडियो कैसे